नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना 2022 के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। आपको हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं कि आपको फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ कैसे मिल सकता है। दोस्तों, आप बहुत सारे वीडियो देखते होंगे लेकिन आप उस वीडियो को सिर्फ देख कर ही रह जाते होंगे लेकिन उनका लाभ नहीं ले पाते होंगे। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि आप जो बात बताएंगे उस बात को आप सुनिएगा और उस स्टेप को आप पूरा कीजिएगा, आपको 100% फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे वैसे आपको करना है। दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपको क्या करना है मालूम ही होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें कि प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना 2022 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा हर राज्य में 50,000 से अधिक महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी। इस योजना के जरिए श्रमिक महिलाएँ फ्री सिलाई मशीन प्राप्त करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकेंगी। तो दोस्तों, देखिए इस योजना के अंतर्गत देश की जो इच्छुक महिलाएं हैं फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ लेना चाहती हैं, इस योजना के तहत आपको पहले आवेदन करना होगा। तो दोस्तों, आपको आवेदन कैसे करना है आपको इस वीडियो में यही बताएंगे और आपको क्या करना है, कौन से फार्म को भरना है, सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फ्री सिलाई मशीन योजना 2022 का लाभ कौन महिलाएं ले सकती हैं। और दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत देश की सभी श्रमिक महिलाओं को सरकार द्वारा निःशुल्क सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि देश की ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। देश की गरीब महिलाओं को इस योजना के जरिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो दोस्तों, आपको बताए हैं जैसे कि हर राज्य में 50,000 से अधिक महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी, बांटी जाएगी या दी जाएगी। तो आपको अब बता दें कि कौन सी महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, इनका उम्र क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, देखिए इस योजना के तहत आवेदन करने वाली महिलाओं की आयु 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक होना चाहिए। और दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत श्रमिक महिलाओं के पति की वार्षिक आय 12,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आय प्रमाण पत्र 12,000 रुपये तो नहीं बनता होगा, लेकिन हाँ दोस्तों, अब के समय में आय 12,000 रुपये नहीं बनता है। लेकिन आपको क्या करना है, फार्म को अप्लाई करना है और अपने नज़दीकी तहसील, जहाँ पर आपका तहसील होगा, जहाँ पर ये सब काम होता होगा, आपको वहाँ पर जाना होगा और बात करके 12,000 रुपये का आय बनवा लेना है। देखिए, 12,000 रुपये से अधिक आय नहीं होना चाहिए। अगर आपका 12,000 रुपये से अधिक आय है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, जैसे बताएं वैसे आप कीजिएगा। और दोस्तों, देखिए देश की आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएं ही प्रधानमंत्री सिलाई मशीन योजना का है वो पात्र होंगी, उनको ही यह मशीन दिया जाएगा। और दोस्तों, देखिए हमारे पूरे भारत की जो भी विधवा और विकलांग महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। तो दोस्तों, अब आपको बताएंगे कि जो पीएम यानी प्रधानमंत्री सिलाई मशीन योजना 2022 के लिए आपको जब फार्म भरने के लिए आपको कौन कौन सी दस्तावेज आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो आपका एक आधार कार्ड लगेगा आवेदिका का, जो फार्म अप्लाई करेगा, जिनके नाम से फार्म अप्लाई होगा। और उनका आयु प्रमाण पत्र लगेगा, अगर आपका आयु प्रमाण पत्र नहीं है तो परिवार रजिस्टर का नकल भी लगा सकती है। और आपका आय प्रमाण पत्र लगेगा जो कि 12,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। एक पहचान पत्र लगेगा, पहचान पत्र में वही आधार कार्ड ही लगेगा। यदि आप विकलांग हैं तो विकलांग चिकित्सा प्रमाण पत्र लगेगा। यदि कोई महिला विधवा है तो उसका निराश्रित विधवा प्रमाण पत्र लगेगा। और दोस्तों, देखिए अगर आप माइनॉरिटी से हैं तो आपका एक सामुदायिक प्रमाण पत्र होता है, वो भी आप लगा सकती हैं। और आपका एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगेगा और मोबाइल नंबर लगेगा। तो दोस्तों, ये सब फार्म को
आपको जेरॉक्स करवा कर अटैच कर देना है। मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हूँ फॉर्म का, आप जाइए उस फॉर्म को डाउनलोड करके उस फॉर्म को फिल करके ये सब अटैच कर आपको क्या करना है कि आपको जाना है ब्लॉक पर और ब्लॉक पर जाकर इस फॉर्म को दे देना है और आपको बताना है कि मैं प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना का फॉर्म अप्लाई करना चाहती हूँ। और जैसे आप जाएंगी वहाँ पर और ये फॉर्म को देंगी तो वो लोग आपका फॉर्म का सत्यापन करेंगे और सत्यापन में सब सही पाएंगे तो आपको ये फॉर्म आगे भेज दिया जाएगा और आगे से ये सब पास होकर आपको प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ आपको मिल सकता है। तो दोस्तों अब हम आपको बता दें कि सिलाई मशीन योजना के तहत जो राज्य हैं कौन कौन से राज्य में ये फ्री सिलाई मशीन बांटे जाएंगे, तो दोस्तों आपको बता दें कि आपको हरियाणा राज्य से हैं और गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार आप राज्य से हैं तो आपको फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों आपको जैसे बताएं वैसे आपको करना है। दोस्तों आपको फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाइए वहां से फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और आपको ये सब फॉर्म को अटैच कर आपको जाकर ब्लॉक में जमा करना है। और तो दोस्तों हमारी बताई हुई बात आपको कैसे लगी, आपको फ्री सिलाई मशीन योजना का अगर लाभ लेना चाहते हैं तो हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं और आपको हम हमेशा अपडेट करते रहते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।